पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट 21 लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत हम यूनिट जो है इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आशियान। ये आपके यूनिट जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसके अंतर्गत एक टॉपिक है जिसको आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम सबसे पहले आशियान जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं एक ओवरव्यू दूंगी, इसके बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दूंगी, और फिर इस जानकारी के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मैं डिस्कस करूंगी इस प्रैक्टिस सेट में। तो और हाँ, जो मैं ओवरव्यू दूंगी वो हिंदी में भी होगा, हिंदी में मैं पूरा आपको समझाऊंगी, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं एज़ इट इज़ उसे लिख दूंगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट उस स्लाइड को पढ़ सकते हैं कि मैंने हिंदी में जो आशियान के बारे में समझाया है उसे वो इंग्लिश में एज़ इट इज़ समझ सकते हैं। तो मैं डिस्कस जो करूँगी वो हिंदी में करूँगी और वो इंग्लिश में एज़ इट इज़ मैं मेंशन कर दूँगी वीडियो में, जिससे कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी उस स्लाइड को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, जो मैं हिंदी में आपको ओवरव्यू दूंगी उसे आप एज इट इज़ इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो अंत तक वीडियो लेक्चर को देखते रहिएगा, क्योंकि अंत तक आप देखेंगे तभी आपको टॉपिक से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए क्वेश्चन को आप लोग जोर से लगाइएगा और स्कोर अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आशियान, आशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, आशियान का यही फुल फॉर्म है। आशियान को हिंदी में भी देख लेते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन इसे कहते हैं आशियान को। तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक सहयोग संगठन है। मूलतः जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका जो लघु रूप है, संक्षिप्त रूप है, उसे आशियान कहते हैं। ये 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आशियान का मुख्यालय कहाँ है या आशियान का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो वो इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में लोकेटेड है। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कुल 10 दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर इस संगठन की नींव रखी थी। आगे हम देख लेते हैं कि आशियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। जो स्थापना है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने पहले बताया आपको, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसके जो संस्थापक सदस्य थे उनके नाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर ये स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे, ये इनके संस्थापक सदस्य थे। ब्रुनेई इस संगठन में 1984 में शामिल हुआ और 1995 में वियतनाम इसमें शामिल हुआ। इसके बाद 1997 में लाओस और बर्मा इसके सदस्य बने और 1976 में आशियान की पहली बैठक में बंधुत्व और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आशियान की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 1976 में, और इस बैठक का उद्देश्य क्या था? इस बैठक का उद्देश्य था बंधुत्व और सहयोग की संधि, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि जो ये 1994 में आशियान ने क्या किया था? एशियाई क्षेत्रीय फोरम यानी एशियन रीजनल फोरम ARF की स्थापना की गई थी आशियान में 1994 में, जिसका उद्देश्य क्या था? सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका एकमात्र उद्देश्य था। इसे मैंने एज इट इज़ स्लाइड में इंग्लिश में लिख दिया है, जो भी मैंने अभी तक समझाया है। आप लोग चाहें तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं, ठीक है।
साइट को पढ़ भी सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऐसा किया है ताकि दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो से पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए रखी हूँ इस ये ओवरव्यू के बाद, वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है, बायलिंगुअल लैंग्वेज में है। तो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके इसे जो जानकारी है आशियान के बारे में वो चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, आप लोग इसे पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस सेट में अंत तक पार्टिसिपेट करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आपको बताना है जो ऑप्शन में आपको देश दिए गए हैं उनमें से कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। चलिए बताइए कि इन देशों में से कौन सा जो देश है वो आसियान का सदस्य नहीं है। इसके पहले मैंने जो इस टॉपिक के बारे में आपको ओवरव्यू दिया है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत आसियान संबंध से जुड़ी हुई नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेकांग गंगा, ऑप्शन बी है त्रिपक्षीय राजमार्ग योजना, ऑप्शन सी है मांगदेची परियोजना और ऑप्शन डी है कलादान परियोजना। आपको बताना है कि ये जो परियोजनाएं दी गई हैं वो आसियान देशों के हितों से संबंधित परियोजनाएं हैं, यानी कि जो आसियान देश हैं उनके जो हित हैं इन परियोजनाओं से संबंधित हैं। तो लेकिन इनमें से कौन सी एक ऐसी परियोजना है जो आसियान देशों के साथ या आसियान संगठन के साथ जुड़ी हुई परियोजना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मांगदेचू परियोजना, आसियान संबंध से जुड़ी हुई नहीं है। पहले हम जानेंगे कि ये मांगदेचू परियोजना है क्या, इसका संबंध किस देश से है। तो जो मांगदेचू परियोजना है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि भूटान में स्थित है। भूटान में एक जल विद्युत परियोजना है और जिसकी क्षमता है 720 मेगावाट और इस 720 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट का निर्माण भूटान ने मांगदेचू नदी पर किया गया है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2020 में और 10,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन के लिए एक योजनाबद्ध जल विद्युत परियोजना है जो कि भूटान की 10 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। अब बात करते हैं कलादान परियोजना क्या है, जो ऑप्शन डी है। तो जो कलादान परियोजना है वो वास्तव में एक मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना है, यानी एक ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, परिवहन परियोजना है और ये भारत और म्यांमार के आर्थिक सहयोग की आधारशिला है। तो इसका संबंध इससे आसियान के साथ है। मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को मार्च 2008 में मंजूरी दी थी तथा इसकी जो लागत थी वो 535.91 करोड़ थी, जो इसकी प्रारंभिक लागत थी। और लेकिन अक्टूबर 2015 में इसे फिर से पुनरीक्षित किया गया तो इसका जो वर्तमान लागत है वो 2,904 करोड़ रुपया हो गया है। इस परियोजना में ये सितबे बंदरगाह से कालेतवा तक कलादान नदी के किनारे 225 किलोमीटर लंबा जलमार्ग और कालेतवा से भारत म्यांमार सीमा पर 62 किलोमीटर सड़क मार्ग शामिल है और कलादान परियोजना म्यांमार और भारत दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं मेकांग गंगा परियोजना की, जो कि ऑप्शन वन है। इसका संबंध भी आसियान के साथ है और ये जो है मेकांग गंगा सहयोग, इसे MGC के नाम से भी जाना जाता है, मेकांग गंगा कॉरपोरेशन यानी MGC के नाम से भी जाना जाता है और ये परस्पर सहयोग करने के लिए निर्मित 6 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 2000 को और इसकी स्थापना वियतनाम यानी लाओस में की गई थी और इस संगठन का नाम इस क्षेत्र की दो बड़ी नदियों यानी गंगा और मेकांग के नाम पर रखा गया। अब बात कर लेते हैं त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना की कि ये क्या है। तो ये 1,360 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार थाईलैंड IMT त्रिपक्षीय
मार्ग परियोजना को की शुरुआत हुई थी 2015 में, और इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था 2015 तक। और इस परियोजना के तहत लगभग 78 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण और मौजूदा 400 किलोमीटर लंबी सड़कों के उन्नयन की आवश्यकता महसूस की गई थी, इसलिए इस त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना की नींव रखी गई, जो कि म्यांमार, थाईलैंड और भारत के बीच हुआ था इस पे समझौता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आसियान प्लस थ्री में अन्य तीन देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है। आपको बताना है कि आसियान प्लस थ्री जो एक आसियान में तीन सदस्य ऐड हुए, आसियान प्लस थ्री नाम का एक ग्रुप बना, और तो उसमें से जो तीन देश हैं उनके उनमें ये ऑप्शन में दिए गए देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है पहला ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया और डी ऑस्ट्रेलिया। आसियान प्लस थ्री में अन्य तीन देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। पहले आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, फिर मैं इसके बारे में बता दूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी आसियान प्लस थ्री देशों में जो तीन देश शामिल हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए में चाइना, ऑप्शन बी में जो जापान है और ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ये आसियान प्लस थ्री में शामिल देश हैं। देखिए आसियान प्लस थ्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊंगी, थोड़ा जानकारी दूंगी कि चीन ने पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में आसियान प्लस थ्री, जिसमें 10 सदस्य आसियान के अलावा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर जोर देना शुरू किया। और इसका प्रमुख बिंदु क्या था, इसके प्रमुख बिंदु के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो इसका जो प्रमुख बिंदु था वो ये था कि इसका उद्देश्य था आरसीईपी वार्ता में शामिल अन्य देशों द्वारा दी जा रही रियायतों के समान चीन को वरीयता देने हेतु भारत पर दबाव डालना। इसके अलावा इस तरह का जो प्रस्ताव था वो भारत के लिए एक संदेश है कि यदि भारत आरसीईपी वार्ता में दृढ़ रहता है तो चीन भारत की अनदेखी कर सकता है। इसके अलावा ये जो है ये मुक्त व्यापार समझौता है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो आसियान के 10 सदस्य देशों तथा 6 अन्य देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, जिनके साथ आसियान का मुक्त व्यापार समझौता है, के बीच होना है। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन आसियान प्लस थ्री में ऑस्ट्रेलिया देश शामिल नहीं है। और जो आरसीईपी वार्ता है इसकी जो औपचारिक शुरुआत हुई थी 2012 में कंबोडिया में हुई थी 21वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान। और आरसीईपी किसे जो आरईसीपी को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के एक विकल्प के रूप में देखा गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं, तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जिसके जो मैंने इस क्वेश्चन के संदर्भ में आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर फोर है आसियान बे क्या है। आपके ऑप्शन है ए आसियान के देशों की जीवन शैली, ऑप्शन बी आसियान सदस्य की रक्षा नीति, ऑप्शन सी आसियान देशों को सड़क जोड़ने वाली नीति और ऑप्शन डी आसियान देशों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली। आपको बताना आसियान वे है क्या, इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, जो आसियान वे है वो आसियान देशों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज करने की शैली है, जिसे आसियान वे के रूप में या आसियान वे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई है, यानी ये जो ऑप्शन में देश दिए गए हैं उनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपन डोर। आपके ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका। बताइए इन चारों देशों में से किस देश ने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान। जापान एक ऐसा देश है जिसने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके सामने कि कंबोडिया ने आसियान की सदस्यता कब ग्रहण की थी। आपको ईयर बताना है जिस ईयर में कंबोडिया ने आसियान का मेंबरशिप को लिया था। तो आपके ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 1999। आपको बताना है कि इनमें से किस ईयर में कंबोडिया ने मेंबरशिप ली थी आसियान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईयर 99 ऐसा ये वर्ष था जिस वर्ष में कंबोडिया ने आसियान की सदस्यता को ग्रहण किया था।
क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, भारत आसियान का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी थाईलैंड। आपको बताना है कि 15वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में 15वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि 33वां आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। आपके ऑप्शन है ए प्रतिरोध क्षमता पूर्ण लचीलापन लचीला परिवर्तनशील, ऑप्शन बी पूर्णमासी, ऑप्शन सी प्रतिरोध क्षमता तथा न्यू आसियान या लचीला एवं परिवर्तनशील और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि 33वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। देख लीजिए आप लोग बताइए कि 33वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी प्रतिरोध क्षमता तथा न्यू आसियान या लचीला एवं परिवर्तनशील है 33वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम। क्वेश्चन है आपके सामने कि आसियान का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब होता है या कितनी बार होता है या वर्ष में कब कब इसका आयोजन होता है। आपके ऑप्शन है ए वर्ष में 2 बार, ऑप्शन बी 2 बार 2 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन डी हर वर्ष। आपको बताना है कि आसियान का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी हर वर्ष एवरी ईयर आसियान का मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आसियान का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस और ऑप्शन डी सिंगापुर। बताइए आसियान का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मलेशिया, मलेशिया में आसियान का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था। आपको आपका आज का होमवर्क है कि ये शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो आशा करती हूँ सभी लोग जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर से देंगे, ये आपका होमवर्क है। मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को खुद भी सर्च करें, उसे नोट डाउन करें, क्योंकि जब जब आप ऐसा करेंगे तो आप लोग को टॉपिक से रिलेटेड और भी फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। जब आप इस टॉपिक को सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक से रिलेटेड अन्य फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर से देंगे। और जो लोग भी मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे मैं उनके नाम अगले वीडियो या प्रैक्टिस सेट में लूँगी। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो इसे अपनी तरह ही नेट JRF की तैयारी करने वाले, स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, DSSP PGT या अन्य स्टेट के PGT एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले या PhD इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स फ्रेंड्स में आप लोग जरूर से शेयर करिएगा। ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके मुझे अधिक से अधिक मोटिवेट करिएगा, क्योंकि आप लोग जब मुझे मोटिवेट करते हैं तो मैं मुझ में भी एक उत्साह जागता है कि मैं इसी तरह की जानकारी भरे वीडियो और प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आऊँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हाँ बेल आइकन पे को आप लोग ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। आप फिर उसके सर्च आइकन में जाकर आप लोग पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूट्यूब प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं सेंड करता है, लेकिन अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो वहाँ पर मैं वीडियो को अपडेट करती रहती हूँ। मैं जो भी वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पर उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर जोर से डालती हूँ, तो आप लोग जब टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।